हरचनी वन्नी संसमाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति महात्मा प्यारे बच्चों, हमारा जीवन बहुत ही बेशकीमती है। और बहुत ही मूल्यवान इस जीवन को हम जितना चमकाना चाहे चमका सकते हैं, जितना तराशना चाहे जीवन को तराश सकते हैं, जितना सुंदर बनाना चाहे हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं। एक राहगीर रास्ते पे चल रहा था, रास्ते में चलते चलते देखा एक मूर्तिकार सुंदर मूर्ति का निर्माण कर रहा है। मूर्तिकार से जाकर के कहता है, आपने क्या सुंदर मूर्ति बनाया है, मैं इसकी जितना ही व्याख्यान करूं, जितना ही बखान करूं, उतना ही कम है। इतना सुंदर रूप दिया है आपने, पूछना ही क्या है। मूर्तिकार कहते हैं, हे राहगीर, विशेषता इसमें मेरी नहीं है, विशेषता पत्थर की है, मैंने निखारा नहीं है, मैंने तो सिर्फ इतना ही किया है कि मैंने इस पत्थर में पहले से छिपा था, इस पत्थर में ये मूर्ति पहले से छिपा था, मैंने इसके बाह्य अंश को काट काट करके निकालता गया, रगड़ता गया, ये जो मूर्ति अंदर छिपा हुआ है वो रूप सामने बाहर आ गया। मेरी विशेषता नहीं, विशेषता इस पत्थर की है। यदि मैं चोट मारता जाता और पत्थर टूट करके बिखर जाता तो कहीं सीढ़ियों में लगता या पत्थर या यही गड्ढे में डाला जाता, लेकिन आज छीनी और हथौड़ी का चोट सहा, इसलिए आज भगवान का रूप बन चुका है। जो भी इस दुनिया में सहेगा वो आदमी, जो भी इस दुनिया में सहेगा वह आदमी भगवान का रूप बन जाएगा। हम सहना सीखिए। छोटी छोटी बातों में, अनुकूलताओं में, प्रतिकूलताओं में विचलित ना हो। हिंदू परंपरा में श्री राम को भगवान माना जाता है, उनके आदर्शों की बड़ी बखान होती है और उनकी चर्चाएं होती है। क्या उनके आदर्शों को हम जीवन में लेते हैं? परिस्थितियां आती है, 14 साल के लिए उनको वनवास मिलता है, विचलित नहीं होते हैं उनके चेहरे पर, लिखा है कि उनके चेहरे पे सिकन नहीं आता है, बड़े स्वीकार करके हंसते हुए मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, लेकिन वो दुखी हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करके। हम अपने जीवन व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि हमको अपने आप में लगे कि हमको जैसे जीवन जीना चाहिए जी रहे हैं। हम अपने निखारे जीवन को तराशे, जितना ही सुंदर बनाएंगे उतना ही अपने आप से खुशी महसूस होगी अपने आप को। एक तराशना होता है बाहरी रूप से, शरीर को जितना ही हम चमकाएंगे एक दिन वो चमक खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों तक रहता है, तो क्या शरीर को सुंदर नहीं बनाना चाहिए? क्या कपड़े को अच्छा नहीं रखना चाहिए? क्या मकान को अच्छा नहीं रखना चाहिए? क्या बाल को अच्छा नहीं रखना चाहिए? ये भी है, लेकिन चित्र की सुंदरता कुछ दिन तक है, लेकिन चरित्र की सुंदरता लंबे समय तक चलता है। यदि हम सुंदर बनाते हैं तो चित्र भी सुंदर बनेगा, और हम चित्र सुंदर बनाए और चरित्र पर ध्यान न दे, स्वभाव पर ध्यान दे। चरित्र का मतलब स्वभाव मतलब हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा कुछ भी क्रियाकलाप करना, ये हमारा स्वभाव बन जाता है।
खुद भाव मतलब अपने अंदर स्वयं का भाव, हमारा स्वभाव कैसा है। इसलिए हम स्वभाव अच्छा बनाए कि अपने आप को लगे कि हाँ मुझे जैसे स्वभाव बनाना चाहिए था वैसे मैंने स्वभाव बनाया है। आज मैं बनाने के लिए कुछ एक छोटा सा छोटी सी बात ही कहना चाहता हूँ कि हम कुछ देना सीखे, देना सीखे। विषय दूसरा है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में दान का बहुत ही महत्वपूर्ण है। दान बहुत ही महत्वपूर्ण दान होता है, धन दान, जमीन दान, गौ दान, चावल दान, अन्न दान, कपड़े दान, पैसे दान, बहुत सारे दान हैं। और इन दानों में सबसे मुख्य जो महत्वपूर्ण दान है जिसको आप देते हैं तो आपका कोई चीज कम नहीं होता है, वो दान है समय का दान। जिन लोगों ने तो दान दिया, जमीन दान, भूमि दान भी किया, धन दान भी किया, कपड़े अन्न दान किया, लेकिन समय का दान नहीं किया। वह सिर्फ कुछ चीज को दान करता है लेकिन समय को दान नहीं किया तो बहुत कुछ बचा लेता है। और जो आदमी समय को दान करता है, समय दान देता है, समय दान देना मतलब समय को अपने लिए यूज करना, समय को अपने लिए लगाना। जैसे आपने परिवार में सब कुछ दिया और आपने परिवार में समय नहीं दिया तो आपका सब कुछ देना बेकार चला गया। माता पिता को आपने धन दिए, गाड़ी दिए, मकान दिए, कपड़े दिए, सब कुछ दिए, खाने पीने का अन्न पदार्थ सब कुछ दिए और समय नहीं दिए तो आपके प्रति प्रेम नहीं होगा, आपको माँ बाप के प्रति प्रेम नहीं होगा। यहाँ इस आश्रम में कुछ देते चले जाए और लोग समय ना दे तो क्या एक खंडहर आश्रम कहलाएगा? ये आश्रम खंडहर बदल जाएगा, समय आश्रम नहीं कहलाएगा, ये आश्रम नहीं कहलाएगा, सिर्फ खंडहर कहलाया जाएगा कि लोगों ने यहाँ धन तो दिया इसलिए गई, अन्न दिए इसलिए सबकी व्यवस्था होता चला गया, लेकिन लोगों ने समय नहीं दिया तो ऐसा आयोजन नहीं होगा। लोग समय भी देते हैं इसलिए आज आयोजन होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना समय, अपना धन देते हैं, दान करते हैं, अपना बेशकीमती समय भी देते हैं, अपना बहुमूल्य गाढ़ी कमाई संपत्ति को इस आश्रम में लगाते हैं और साथ साथ समय का दान करते हैं। तब इस जगह का महत्व है, तब उस व्यक्ति का महत्व है। सिर्फ एक आदमी है जो इस दुनिया में, इस देश में ना रहता हो, भारत से बाहर हो और सिर्फ वो पैसा भेजता चला जाए तो कहेंगे लोग वो सहयोग करते हैं, लेकिन जब तक वो समय ना दे पाए तब तक वो आनंद में आनंद महसूस नहीं कर पाएंगे और सामने वाले भी आनंद महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय दान बहुत जरूरी है। आप परिवार में रिश्ते बिगड़ते और टूटते चले जाते हैं, इसका कारण क्या है? आदमी अलग जगह लगाता चला जा रहा है, इधर भोजन भी कर, पवित्र भोजन ले रहे हैं, अमृत भोजन ग्रहण कर रहे हैं और अमृत भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सामने टीवी लगी है, सीडी लगा है, सीडी चल, उसमें फिल्म देख रहे हैं, गलत गलत दृश्य देख रहे हैं, गलत गलत वार्ताएं सुन रहे हैं, इधर मोबाइल भी चला रहे हैं, इधर भोजन भी कर रहे हैं। कम से कम हम भोजन करते हैं उस समय हम अमृत भोजन कर रहे हैं, उस समय तो शांति से बैठ करके हम भोजन करें, उस समय भी शांति से बैठ करके भोजन नहीं कर पाते हैं। जब हमारे लिए हमारे पास ही समय ना हो
तो किस काम का धन संपत्ति ऐश्वर्य खजाने सब कुछ तो बेकार चला जाएगा। जब पास हमारे अपने के बच्चों के लिए समय ना हो, हमारे पास अपने माँ बाप के लिए समय ना हो, तो किस काम का धन दौलत। जब कोई व्यक्ति नौकरी में जाता है, घर से निकलता है, माता पिता का चरण स्पर्श करके निकलता है और चरण स्पर्श कर लेता है और माता पिता को तबियत पूछ लेता है, भोजन पूछ लेता है, तो माता पिता के चरण माता पिता के चेहरे पे मुस्कान बढ़ जाता है कि आज भी बच्चा, आज भी मेरे पुत्र मेरे कहा मानते हैं, मेरे पास बैठते हैं, मेरे से वार्ताएं करते हैं, मेरे तबियत हैं, मेरे भोजन करते हैं, उनको एक टॉनिक की तरह मिलता है। समय का दान करके नहीं, लेकिन आप उनके पास रोज 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके वार्ताएं करेंगे तो उनके चेहरे पे मुस्कान बना रहेगा। जगहों में जाते हैं, अजनबी जगहों में, कभी हम मोबाइल तो रोज यूज करते हैं, कभी उन पास समय हो, आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, कभी उन लोगों को फोन लगा लीजिए जिनसे कभी वार्ताएं नहीं होती है। मोबाइल में ही समय लगाइए, कभी उनसे वार्ताएं नहीं होती, उनसे फोन लगा करके बात कर लीजिए, आपका तबियत कैसे है, स्वास्थ्य कैसे है, आज मेरा मन हुआ आपसे मेरा बात करने का, आज आपकी याद आ रही थी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आज मैंने आपको फोन कर दिया, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा, उनका चेहरा खिल उठेगा, उधर से उनके मन में एक तरंग होगा कि उन्होंने मुझे इतना अच्छे से सम्मान के साथ फोन किया और उनके लिए बात देंगे, वो तरंग आप तक पहुंचेगा और आप आदमी बहुत अच्छे। कभी कभी ऐसे जगहों पर भी फोन कर लेना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन कमाने के पीछे दौड़ता है और समय दान ना दे तो अभी हकीकत का उदाहरण। हमारे यहाँ आश्रम, मैंने कहा दान बहुत कुछ दान है, उसमें सबसे ज्यादा है तो समय का दान, लेकिन ये आश्रम समय के दान के साथ साथ धन का दान से चलता है। ये आश्रम के दानदाता ने दान किया, इसको कोई खरीदे नहीं है, ये जितना बॉन्ड ने दान किया, पीछे नाम लिखा है, उसके बाद में सारा जितना लिस्ट लंबी लाइन है, उन लोगों ने सब ने दान किया और दान करने के बाद यहाँ समय भी देते हैं, 1000 रुपया देते हैं। आश्रम के दानदाता श्री बिसवाराम भक्त जी, उनके सुपुत्र श्री रवि भैया जी हैं, वो नौकरी लेकिन समय निकाल करके हर साल कुछ यहाँ सहयोग भी करते हैं और यहाँ करके समय भी देते हैं और सारे लोग विशेष सहयोग करते हैं। सिर्फ पैसा बस दे दे तो फिर वो प्रेम होगा, वो आनंद नहीं होगा, वो मजा नहीं आएगा। लेकिन आपको कोई अच्छा नहीं हो, अच्छा से बहुत अच्छा सुंदर कपड़ा दे दे और कपड़ा देने के बाद आपसे वो बोलता है और कहता है, आप जान जाते हैं कि वही व्यक्ति है, आप कुछ नहीं बोलेंगे, सामने वाले बोलेंगे, मुस्कान आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराएंगे, चेहरा खिल उठेगा। समय का दान। कमाता था, सुबह बिस्तर से उठता था 6 बजे और स्नान करता था, यात्रा रहती थी, रोज 100 किलोमीटर ड्यूटी जाता था, सुबह 8 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाता था, सुबह ड्यूटी के जाता था, रात्रि में आते आते उनको 10 बज जाता था, रोज का उनका रूटीन ऐसा ही था, रोज का रूटीन ऐसा ही था। उनका बच्चा सुबह सुबह उठता है, रोज 8 बजे उठता है तो देखता है पापा नहीं है, मम्मी से पूछते हैं पापा कहाँ है मम्मी, उनकी मम्मी बोलती है बेटा वो तो ड्यूटी चला गया है। फिर दूसरा दिन उठता है, फिर पूछता है, फिर ड्यूटी चला गया, रात्रि में है तो बच्चे सो जा रहे हैं,
उनके पापा उनको दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा है, बहुत महंगी स्कूल, सारी व्यवस्था वहाँ कोई नहीं, खाने के पीने के आने की जाने की कपड़े की हर चीज की व्यवस्था, इतनी महंगी स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन उनके पापा उनको समय नहीं दे पा रहा है, पैसा का सदुपयोग रहा है लेकिन समय नहीं दे पा रहा है। बच्चा कई दिन तक ये प्रक्रिया देखता है, कई दिन तक ये प्रक्रिया देखता है, और छोटा सा बच्चा, साल का बच्चा है, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहा है, वो देखता है कि पापा मैं जब उठता हूँ तो स्कूल चले अपना ड्यूटी चले जा रहते हैं, और जब पापा आते हैं तो मैं सोया रहता हूँ। एक दिन का समय था, रविवार सुबह उठे तो देखते हैं पापा घर में हैं, लेकिन वो रविवार रहते थे अधिकतम दिन, लेकिन देखिए सुबह घर में है पापा, उनको आश्चर्य हुआ। वो पापा के पास दौड़ है, फील्ड का काम करता था, वसूली का काम, और बाकी छह दिन अपने दुकान खोल करके बैठता था, और उनके साथ में कई वर्कर काम करते थे, वो अपना ऑफिस में बैठ करके लेन देन का हिसाब किताब करता था, वसूली का काम करता, लेकिन वो रविवार को भी नहीं रहता घर में। उनके बच्चा देखता है कि पापा आज घर में है, लेकिन पापा घर में तो हैं, लेकिन खाली नहीं है, अपना लैपटॉप में काम कर रहे हैं। इतना में बच्चा पापा के पास आता है और पापा से कहते हैं, पापा मुझे 100 रुपया दोगे क्या? उनकी अपने पापा आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं? उनका पापा कहता है, तुमको क्या मतलब है मैं कितना कमाऊं? तुमको क्या चाहिए ये बताओ। बच्चा तो बच्चा फिर से पूछता है, पापा प्लीज बता दो ना, तुम क्या करोगे जान करके? बच्चा कहता है, चलो छोड़ो पापा, एक दिन में कितना कमाते हैं बात छोड़ दो, एक कितने रुपये? फिर से उनके पापा वही प्रश्न कर उत्तर देते हैं, तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं कितना कमाऊं इससे तुमको क्या मतलब? बच्चा फिर से कहता है, पापा प्लीज बता दो ना। तो कहते हैं, 1 घंटा में 200 रुपये कमाता हूँ, चलो बताओ अब क्या बात है? बस पापा बस हो गया मेरा काम। बच्चा फिर से आता है, उनके पापा काम कर रहे हैं वहां पर, और वो आता है अपने पापा से, पापा मुझे 100 रुपये दोगे क्या? क्या करोगे पैसा को? उनका पापा फिर से प्रश्न करता है, क्या करोगे पैसा को? आपने क्या क्या चाहिए बताओ, तो मैंने बता दिया, दो दो दे दोगे तो अच्छी बात है पापा, दूंगा। थोड़ा देर बाद वो बच्चा चला जाता है, सोचता है उनके पिता क्या क्यों मंग रहे थे, चलो दो ही दे ही देता हूँ, आखिर करेगा क्या, जाएगा कहाँ? 100 रुपया बुलाता है और 100 रुपये निकाल करके दे देता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा पैसा आता है और पैसा ले जाता है, और ले जा करके तुरंत एक कमरे में जाता है जहाँ उनका एक बॉक्स रहता है, उसमें खोलता है, उसमें पहले से ऑलरेडी 100 रुपया रखा है। उनका पिता पूछता है, तुम्हारे पास पहले से 100 रुपया रखा है, तुमने 100 रुपये फिर क्यों मंगा? पापा मैं बताता हूँ क्यों मंगा। वो 200 रुपये पापा काम कर रहे थे वहीं पर आकर के कहते हैं, पापा आज मेरे पास 200 रुपया है, मैं 200 रुपया दे करके मैं आपका 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ, मैं 1 घंटा आपके साथ बैठ करके आज का लंच मैं आपके साथ बैठ करके करना चाहता हूँ। कितना उनके मन में प्रसन्नता होगी। क्या आप अपने बच्चों को समय दे पाते हैं? धन बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन समय का दान दीजिए आप। हैं समय सही जगह लगाते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, तो बिखरेगा आपका घर नहीं बिखरेगा। कभी जब 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 तो सुनने और सहने का क्षमता आप में पैदा हो जाएगी, तो आपका घर घर बन जाएगा, नहीं तो घर टूट करके बिखरने में समय नहीं लगता है।
समय दान महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने और सबसे ज्यादा कहीं जरूरत है माँ बाप को समय दीजिए। माँ बाप को आपका ईश्वर्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपका जमीन नहीं चाहिए, आपके बंगले नहीं चाहिए। यदि माँ बाप को चाहिए तो माँ बाप को बच्चों का प्यार चाहिए, बच्चों का समय चाहिए। बच्चे कहीं से आए, ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से, दुकान से, पानी से, कहीं से भी आए, आकर के बैठ करके वार्ताएं कर ले, प्रेम से वार्ताएं कर ले, एक साथ बैठ करके भोजन कर ले, तो माता पिता को लगता है कि आज मेरे बच्चे मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए समय का दान करना सीखिए। आज समय इतना बेहतरीन है, आप कुछ ही मिनट में अपना जिंदगी बदल सकते हैं। कुछ ही मिनट में आप अपना जिंदगी बदल सकते हैं। समय के महत्व को समझिए, समय का सदुपयोग करना सीखिए, समय को व्यर्थ बहाने मत दीजिए। एक आदमी को यहाँ से अभी हमारे साहब कह रहे थे ट्रेन छूट गई, ट्रेन नहीं छूटी, आदमी छूट गया। एक आदमी को जाना है यहाँ से मुंबई जाना है, और मुंबई ट्रेन चलने से पहले, ट्रेन वहाँ स्टेशन से आगे निकलने से पहले वो एक मिनट देरी से आती है, इस व्यक्ति आता है और ट्रेन चली जाती है, तब उनको पता चलता है एक मिनट का मूल्य क्या होता है। मैंने इसकी वजह से मेरी मुंबई चली गया। यदि आप एक मिनट को उपयोग नहीं करते हैं, गलत जगह लगाते हैं, तो आपका एक मिनट में आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगा। आदमी ने क्या किया, अपने घर में बैठ करके एक साथी कहा चलो सत्संग हो रहा है, सत्संग में चलते हैं। उन्होंने क्या किया, एक आदमी कहां सत्संग में जाएंगे, अपना टीवी स्क्रीन चालू किया और फिल्म देखना शुरू कर दिया। समय लगता है लेकिन जाते हैं। एक सत्संग की वार्ताएं सुन रहे हैं, उनके मन में एक नए विचार रहा है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक आदमी मारकांट देख रहा है, दुनिया की आतिशबाजी देख रहा है, उनका विचारधारा अलग अलग। एक की प्रशंसा करता है, एक मिनट में दूसरी की निंदा करता है, उसका परिणाम अलग आता है। आप समय कहां लगाते हैं, निंदा में, चुगली में, या किसी की प्रशंसा। हम मिनट वार्ताएं कर देते हैं, बैठ करके ज्ञान के वार्ताएं करते हैं, उसका समय का सदुपयोग कैसे होता है। हम मिनट बैठ करके इधर उधर घर 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 हम किसी का सहयोग कर देते हैं, तो उनके लिए कितना अमृत बन जाता है। उनका 10 मिनट बच जाता है, वो कहता है आज मेरे पास 10 मिनट शेष बच गया, मैं 10 मिनट में कुछ कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। आते हैं अपने लोगों को धन तो आप देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने बच्चों आप करते हैं, अपने बच्चों के लिए जी जान दे देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, धूप नहीं देखते, छांव नहीं देखते, बरसात नहीं देखते, न ठंडी नहीं देखते, न गर्मी नहीं, आप खून पसीना एक करके कमाते हैं और हर माँ बाप कमाते हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आप कुछ समय उनके जीवनचर्या पर लगाइए। कैसे वार्ता करते हैं, किनके साथ बैठते हैं, किनके साथ उठते हैं, कभी बैठ करके अच्छी चर्चाएं होती, कभी ज्ञान चर्चाएं होनी चाहिए। कुछ बैठ करके ज्ञान चर्चा का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति प्रवचन करे तभी ज्ञान चर्चा हो, सुने तभी ज्ञान चर्चा हो, ऐसी बात नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, सत्संग इसी को होता है। किसी भी
चाहे कहीं भी रहता हो, चाहे चाहे आश्रम में रहता हो, चाहे घर में रहता हो, शमशान में रहता हो, यदि अच्छी वार्ताएं होती है, ज्ञान चर्चाएं होती है, है निंदा और चुगली का शब्द नहीं होता है, विकास की वार्ताएं होती है, प्रेम है, तो वैसे घरों में समय का सदुपयोग होता है। और इसलिए समय आज बरसात के मौसम में बीच में खाली समय होता है, इसलिए पहले से ऋषि मुनियों का परंपरा चलते आ रहा है और परंपरा चलते आ रहा है कि वर्षा कालीन कार्यक्रम जगह जगह होता है, जगह जगह होता है, वर्षा कालीन कार्यक्रम होता है, उसमें आते हैं, कुछ ज्ञान चर्चाएं होती है और अच्छी अच्छी वार्ताएं होती है, अच्छी अच्छी वार्ताएं होती है। इसलिए समय का दान देना चाहिए, समय मिला है, कल मिले या ना मिले कौन जानता है। आज हम सकते हैं, आज हम सब हैं, आज हम बोल सकते हैं, आज हम चल करके यहाँ आ सकते हैं, कौन गारंटी है कल हम बिस्तर में सोए, रात्रि में तो सुबह उठे या ना उठे, इसकी कौन गारंटी है, कौन है कि बिस्तर में सोया व्यक्ति उठे या ना उठे, तो सोए के पूरा नहीं उठ पाते हैं, हमारी भी पारी आ सकती है, हम कल के लिए नहीं डाल आज है, आज है उसको अभी अभी करें हम, सद्गुरु कबीर इसीलिए कहते हैं आज करे सो अब, आज जो अवसर मिला है उसको अभी करे, कल के लिए मत डाल, कल के लिए टालेंगे तो समय निकलता चला जाएगा, और गलत काम करना होता है तो कल के लिए नहीं डालता, जब अच्छी का अच्छा काम करना हो तब सोचते हैं कल कर लेंगे, आज करना है हम सब सबको, और जो अवसर मिला है सत्संग की ज्ञान चर्चा करते हैं, बस एक उद्देश्य लेकर के यहाँ से जाए कि अब मुझे जीवन को सुंदर ढंग से जीना है, अपने लोगों के बीच रह करके सुंदर जीवन के लिए आदमी को अपना कहा स्वभाव बदलना होता है, स्वभाव होता है, वाणी में मिठास होती है, बोलने में मधुरता होती है, जीवन में सहजता होती है, तो सुंदर जीवन बनता चला जाता है और जीवन का विकास होता चला जाता है। इसलिए यदि देना देने कोई चीज है, आपके पास धन रहेगा तब धन का दान कर सकते हैं, सबकी हस्ती नहीं धन का दान कर सके, मुख्य दान तीन प्रकार के होता है, तन से, मन से, धन से, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दान है तो समय का दान, तन से भी बहुत लोग सहयोग कर सकते हैं, मन से तो सब कर सकते हैं, समय से भी सब कर सकते हैं, लेकिन धन से कोई कोई कर पा पाता है, दान है जो मिला है उसमें से कुछ समय निकाले और कुछ समय निकाल करके कुछ ज्ञान चर्चा करे, कुछ समय निकाले और उन भगवान को अर्पित करे जिस भगवान की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। कौन से भगवान उसको आप लोग समझिएगा, किस भगवान की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, कोई आकाशीय भगवान की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, भगवान वो माता पिता गुरुजन असली भगवान है, उनकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, उन्हीं की सबकी देन है, संत गुरुजन की देन है, और वेद में चार देवता आते हैं, आचार्य देव, मातृ देव, पितृ देव, आचार्य देव, अतिथि देव, इन देवता का सम्मान करना सीखे तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ, बोलिए गुरुदेव की जय।